अमोर फति लैटिन के वे शब्द हैं जिन्हें हिंदी में कहना हो तो कहा जाएगा अपने भाग्य से प्यार। यह उस एटीट्यूड, उस मानसिक सोच को डिस्क्राइब करने का तरीका है जहां आदमी अपने वक्त के साथ खुशी खुशी समझौता कर लेता है और जो भी जीवन में घटित हो रहा है, कष्ट या हानि, उसे शांति के साथ स्वीकार कर लेता है। थॉमस एडिसन घर पर रात का खाना खा रहे थे जब एक आदमी ने दौड़कर दखल किया और बताया कि उनकी प्रयोगशाला भयंकर आग में झुलस रही थी। कल्पना करें ऐसे में एडिसन से आप क्या रिस्पांस, किस प्रतिक्रिया की आशा रखते हैं? क्या आप एडिसन को भयभीत व गहरी व्याकुलता से चीखते हुए पाएंगे कि मेरे साथ क्यों? इनमें से कुछ भी ना हुआ। एडिसन ने अपने पुत्र से कहा कि अपनी मां को भी बुला लो, ऐसी बड़ी रोशन आग उन्होंने कभी देखी ना होगी। वास्तव में एडिसन के बेटे ने सोचा कि पिताजी का दिमाग खराब हो गया है, और सच में ऐसा बर्ताव देख कोई भी ऐसा सोचे। एडिसन के सभी आविष्कार व प्रयोग जो कभी दोबारा हो भी ना सके लेबोरेटरी में थे और जलकर खाक हो गए थे। चिंता ना करें, ठीक है, मेरी सभी गलतियां और फिजूल की बकवास चीजें भी खत्म हो गई होगी, यह एडिसन की प्रतिक्रिया थी। इस वक्तव्य के साथ एडिसन ने अमोर फति की वास्तविक प्रकृति प्रकट की। चाहे कुछ भी हो, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि इस हादसे से उनका दिल ना टूटा हो, पर उन्होंने अमोर फति के एटीट्यूड से अपने आप को पुनर्जीवित किया। 67 इयर्स की उम्र में $1 million का नुकसान उठाने के बाद भी वे लगे रहे और कुछ ही वर्षों में $10 million बनाए। क्या बात है! यह अमोर फति की संकल्पना बहुत खूब है। क्यों? क्योंकि अपने भाग्य की स्वीकार्यता के साथ हम तसल्ली कर शक्ति संजो लेते हैं और लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं। आपको लगता है कि हर चीज का कोई कारण है, कोई महत्व है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस कारण को कितना सकारात्मक व सक्रिय बनाते हैं। कल को शायद आपकी नौकरी छूट जाए, शायद कोई आपके सारे जीवन की बचत और पूंजी धोखे से ले ले, कहीं आपका विश्वास, आपका भरोसा कोई बेफिक्र होकर तोड़ दे, शायद कोई ऐसा जिसे आप बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वह किसी खतरनाक रोग से ग्रस्त हो, जीवन के आखिरी दिन गिन रहा हो, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार या बेकदरी की हो, आपके जीवन में ना जाने कितनी बड़ी ना बचने वाली चुनौतियां आ रही हों, और तब भी आपको मुस्कुराहट के साथ उन्हें स्वीकार करना पड़े और उन पर एक्शन लेना पड़े, तो यह अमोर फति है। इस बातचीत का मकसद मुश्किल दौर में ठीक व अच्छा महसूस करना नहीं है, इसका मकसद है आप जीवन में हो रही हर किसी खींचतान के बावजूद बढ़िया महसूस करें। अगर यह हुआ है तो होना ही था, होनी है सो होए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए।